गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है बृहस्पतिवार, वीरवार, थर्सडे। तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कल पूजा कराऊंगी, मतलब कि अपना जो व्रत मैंने रखे हुए थे उनका उद्यापन मुझे करना है। और ये व्रत मुझे लगभग 3 साल हो गए, मैं 3 साल से बृहस्पतिवार के व्रत रख रही हूँ विष्णु भगवान जी के। तो मुझे किसी ने बताया था कि लगातार ऐसे व्रत नहीं रखने चाहिए। मुझे नहीं पता था कि ऐसे लगातार व्रत नहीं रखने चाहिए, बीच में उद्यापन कर देना चाहिए। तो मैं बस ऐसे ही लगातार रख रही थी व्रत, बट अब मुझे इस चीज़ का पता लग गया है कि ऐसे व्रत नहीं रखे जाते लगातार। तो मैं आज उद्यापन कर रही हूँ उनका और दोबारा से फिर शुरू कर लूँगी उनको, फिर 1-2 महीने के बाद दोबारा फिर से शुरू करूँगी। बट आज उद्यापन है तो मे बी आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं और मैं भी आपको सारा सामान भी दिखाऊंगी पूजा का, कि क्या क्या इस पूजा में जो उद्यापन होता है इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। और अभी जो टाइम हो गया है वो 8 बज गए हैं और पंडित जी बस अभी आने वाली है, तो मैंने सोचा चलो पहले अपना जो वीडियो का इंट्रो है वो शुरू कर लेती हूँ। पता है क्या होता है, अगर मैं एक बार शुरू सुबह वीडियो शुरू कर लेती हूँ तो व्लॉग बन जाता है, और अगर मैं सुबह से ही आलस शुरू कर देती हूँ ना फिर मुझसे कुछ नहीं होता। तो देखते हैं कितना व्लॉग शूट होता है। और राम को मैंने भेज दिया है आज पिकनिक पे, आज पता नहीं कैसा रहेगा उसका दिन, होपफुली अच्छा ही रहे। फर्स्ट टाइम वो अकेला ऐसे बाहर गया है तो होपफुली सभी अच्छा हो। तो चलिए वीडियो तो शुरू कर ही लेते हैं। तो मैं आपको सामान दिखा देती हूँ कि पूजा में क्या क्या सामान हमें चाहिए। तो गाइस ये है सूट, मतलब कि जो पंडित जी ने लिस्ट बनाई थी तो उसमें ये भी था, लेडीज सूट रखना था। और ये येल्लो ही होता है और इसी के साथ 1.25 मीटर कपड़ा होता है, वो भी प्लेन येलो। तो ये है, और एक जैसे आप लेडीज सूट देते हो तो उसके साथ आप एक जोड़ा भी दे सकते हो, मर्जी है आपकी। तो ये एक कुर्ता पजामा है, तो ये रख दिया है। और जो बाकी पूजा में यूज़ होगा वो भी मैं सामान आपको दिखाती हूँ। सामान मैंने सारा तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले ये है 1.25 किलो चने की दाल है, इसमें 1.25 किलो ही इसमें चाहिए था, 1.25 मीटर ही कपड़ा होना चाहिए और 1.25 किलो ही चने की दाल। और इसमें जो है वो हल्दी है, मतलब कि वो जो बिना पिसी हुई हल्दी, हल्दी की गांठ जिसको बोलते हैं, तो वो है। ये पीला चंदन है और ये 200 ग्राम गुड़ है, ये हल्दी है, और ये 2 पान के पत्ते हैं, ये शहद है, और जो मेन इसमें होता है ये है मुनक्खा, मुनक्खों से ही पूजा होती है विष्णु भगवान जी की। और इलायची है, लौंग है, शहद है और कपूर है, और फूल और जो फ्रूट्स है वो मैंने अंदर मंदिर में रख दिए हैं। बस अभी पूजा शुरू होने वाली है तो मैं फटाफट से मैं आपको सामान दिखा रही थी सारा। तो चलिए, और एक चीज़ और, जिनको हम परांदे बोलते हैं ना वो परांदे हैं, और यहाँ पे लड्डू है, बेसन के लड्डू है, ये बेसन के लड्डू है, इनका भोग लगेगा। तो सारा सामान मैंने तैयार कर दिया है, तो चलिए पूजा शुरू कर लेते हैं फटाफट से, मंदिर में रख के आती हूँ सारा सामान। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर में। पहले तो हमने सोचा था कि घर पे ही पूजा हो जाएगी, पर पंडित जी ने फिर पूछा कि क्या आपके घर पे केले का पेड़ है? तो इस पूजा में जब हम उद्यापन करते हैं फिर पूजा करते हैं तो उसके लिए केले का पेड़ होना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पूजा में ना मेन जो पूजा होती है वो केले के पेड़ की ही पूजा होती है। तो हमारे घर पे तो केले का पेड़ नहीं है, वो मंदिर में ही है, तो इसलिए हम मंदिर में जा रहे हैं मम्मी और मैं, और मम्मी सारा सामान उठा रहे हैं। और यहाँ पे पंडित जी पहले ही आ गए थे और यहाँ पे बस अब पूजा शुरू हो गई है हमारी। और पूजा लगभग आधे घंटे तक चली थी, जैसे ही जो भी कथा वगैरह होती है, जो भी आरती वगैरह जो भी कुछ हुई है वो आधे घंटे के अंदर ही सारा कंप्लीट हो गया था।
तो आज का जो व्लॉग है मैंने बस इतना ही शूट किया है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या राय है मेरी वीडियोस के बारे में, आपको कैसी वीडियोस लगती है मेरी। अगर कोई आपको लगता है कि मेरी वीडियोस में कुछ कमी है तो प्लीज़ वो भी मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए, मैं उन अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग कब शूट होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।